नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान हुआ था जिसका नाम था जहांगीर। तो आइए जानते हैं इस शहर फतेहपुर सीकरी का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा जो मैदान आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है दीवाने आम। ये पूरा हिस्सा किसी जमाने में एक मिट्टी का मैदान हुआ करता था, बाद में इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर घास लगाई गई थी। तो यहाँ पर बादशाह अकबर आम आदमियों से मिलकर उनकी बात सुनने के लिए आया करते थे। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कारपेट लगाई जाती थी और गर्मियों के समय में यहाँ पर तंबू यानी कि टेंट लगाए जाते थे। जो भी बड़े लोग होते थे वो ऊपर बैठा करते थे और यहाँ सामने में एक जाली हुआ करती थी जिसके दूसरी तरफ बादशाह अकबर बैठकर आम आदमियों को सुना करते थे। तो यहीं पर दीवाने आम में बैठकर वो न्याय किया करते थे और जो लोग भी गलत होते थे उनको यहाँ हाथी द्वारा कुचलवा के मरवा दिया जाता था। वहाँ सामने में जो पत्थर आप देख रहे हैं, वहाँ पर अकबर ने अपने पसंदीदा हाथी को बांधने का इंतजाम किया हुआ था। तो बादशाह अकबर यहाँ पर 1571 से लेकर 1585 के बीच में रहे थे, यानी कि 14 साल के लिए ये पूरी जगह जो है फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी जी और आगरा, अलाहाबाद, मालवा, कश्मीर, लाहौर और अफगानिस्तान के जरिए अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाया। साल 1573 यानी कि 1573 में उन्होंने गुजरात जीतने के बाद इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। और फिर अकबर ने यहाँ पर अपने जीत की सबसे बड़ी निशानी यानी कि बुलंद दरवाजा बनवाया, जिसको बोला जाता है डोर ऑफ विक्ट्री, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा हुआ करता था। ये सामने वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, वहीं से अकबर आया करते थे। और आप जब फतेहपुर सीकरी आएंगे तो आपको रास्ते में गेट दिखाई देगा जिसको बोला जाता है आगरा गेट। तो यहाँ ऐसे 9 गेट हैं जिनसे बादशाह अकबर ने 9 शहरों को जोड़ा था। तो अकबर ने इसको 12 किलोमीटर में बनवाया और 12 साल में ये बनकर पूरा तैयार हुआ था। तो ये उस जमाने में एक टाउनशिप बन गया था, जैसे कि आज के जमाने में कोई भी बड़े शहर में होती है। साल 1524 में भारत में मुगल आए और सबसे पहले मुगल बादशाह बने बाबर। बाबर ने भारत में कई युद्ध लड़े और उनको जीता। उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने 4 बच्चों को अलग अलग हिस्से सौंपे और उनके बेटे हुमायूं के हिस्से में आया था हिंदुस्तान। लेकिन हुमायूं उतना सफल नहीं हो पाए और उन्होंने कई युद्ध हारे। और फिर साल 1556 यानी कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे अकबर को मात्र 14 साल की उम्र में बादशाह बनाया गया। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने 9 वजीरों से समय समय पर राय लिया करते थे। तो अकबर आगरा में रहा करते थे और ये उस समय सीकरी गांव हुआ करता था। और यहाँ एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर आगरा से पैदल यहाँ बाबा से दुआ मांगने आए थे कि मुझे एक बेटा चाहिए जिससे कि मुगल डायनेस्टी एक बार फिर से हिंदुस्तान में खड़ी हो सके। और उसके बाद अकबर की दुआ कबूल हो गई और साल 1559 यानी कि 1569 में अकबर को एक बेटा हुआ जिसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद साल 1571 यानी कि 1571 में अकबर ने ये शहर बनवाना शुरू किया। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साल 1573 यानी कि 1573 में जब वो गुजरात जीतकर आए थे, उन्होंने इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर तुलादान किया करते थे। इस हिस्से में गरीब लोग खड़े होते थे और अकबर वहां सामने बैठकर अपना वजन किया करते थे। और जितना भी वजन उनका आता था, उतने ही वजन का वो सोना चांदी उन गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। तो तुलादान प्राचीन भारत में होने वाली एक प्रथा थी जिसको अकबर ने मिडिवल हिस्ट्री में शुरू किया था, ताकि वो सबकी मदद कर सकें और सबसे जुड़ सकें। तो ये तुलादान वो साल में एक बार किया करते थे। इस लाल पत्थर की इमारत को बोला जाता है दीवाने खास। ये अकबर के समय का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था और बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टर्स के साथ बैठकर यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि ये उस समय का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। इसको अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये आपको 2 मंजिली इमारत नजर आएगी, पर अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो ये असल में एक ही मंजिल की इमारत है। तो हम लोग अब दीवाने खास के अंदर आ गए हैं,
और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अकबर के समय का मीटिंग रूम हुआ करता था। तो मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग नीचे नहीं बैठते थे, बल्कि ऊपर वाले हिस्से में बैठते थे। ऊपर में बीच वाले हिस्से में अकबर बैठा करते थे, और जो आपको चारों साइड में बालकनी दिख रही है, यहाँ पर उनके नवरत्न यानी कि उनके वजीर बैठा करते थे, जो थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दोप्याजा, अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इसमें अकबर ने 7 अलग अलग धर्मों की चीजों को उतारा है। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है जैन धर्म का डिजाइन। ये जो जिगजैग लाइन जा रही है वो एक ईरानी यानी कि पर्शियन डिजाइन है। जो बड़े आर्क बने हुए हैं वो एक मुस्लिम डिजाइन है। छोटे आर्क क्रिश्चियन डिजाइन है। खड़क बना हुआ है वो सिखिज्म के लिए है, और लोटस जो बना हुआ है वो हिंदुइज्म के लिए है, और सबसे नीचे वाले हिस्से में क्राउन ऑफ बुद्धा बना हुआ है जो कि बुद्धिज्म के लिए है। इस तरह से अकबर ने यहाँ 7 धर्मों को शामिल किया और एक धर्म बनाया जिसको बोला गया दीन इलाही। लेकिन इस धर्म के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं निकल पाए, तो अकबर ने लोगों से कहा कि आप अपने ही धर्म में यकीन कीजिए, लेकिन आपस में आप मिल कर रहिए। तो ये जो पिलर है अकबर के द्वारा शुरू किए गए धर्म दीन इलाही का एक सिंबल है। फिलहाल यहाँ ऊपर जाने का रास्ता गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, जिससे कि ऊपर ज्यादा भार ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ सामने में घोड़े बांधे जाते थे और इस तरफ में ये पानी का टैंक है। तो अकबर ने यहाँ इस तरह के 12 टैंक बनवाए थे, क्योंकि पानी की दिक्कत यहाँ हमेशा से ही थी। इन पानी के टैंक्स के अलावा उन्होंने यहाँ पर कुछ बावड़ियाँ भी बनवाई थी, जो कि अष्टभुजाकार बावड़ी हैं, जो कि कहीं पर भी आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ये जो मीनार आप देख रहे हैं इसका नाम है हिरण मीनार, और यहाँ पर अकबर के सबसे चहीते हाथी जिसका नाम हिरण था उसकी कब्र बनी हुई है। और क्योंकि वो हाथी बहुत तेज दौड़ता था, इसी वजह से अकबर ने उसका नाम हिरण रखा था। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये है खजाना महल। अभी हम लोग खजाना महल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर उस जमाने में 24 बॉक्स बनाए गए थे, और ये उनका खजाना रखने की जगह हुआ करती थी। यहाँ के दरवाजे उस समय बंद हुआ करते थे, और यहाँ इन बॉक्सेस में खजाना भरा रहता था। अकबर की 3 रानियां थी, और उन 3 रानियों के साथ अकबर यहाँ पर लुक्का छिप्पी यानी कि हाइड एंड सीक भी खेला करते थे। ये जमीन पर जो आप देख रहे हैं पूरा बना हुआ है, ये चौसर है, और इस गेम को महाभारत काल में भी खेला जाता था। इस सामने वाली कुर्सी पर बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठकर इस गेम को खेला करते थे। ये जो खाने यहाँ पर बने हुए हैं, इनमें गोटियाँ नहीं बल्कि इनमें दासियाँ खड़ी हुआ करती थीं, और जब भी कोई चाल चली जाती थी तब वो दासियाँ इन खानों में डांस करके चाल को चला करती थीं। ये जो सामने में 5 मंजिल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है पंचमहल। क्योंकि उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो अकबर ने गर्मी से बचने के लिए ये महल बनवाया था। तो बादशाह और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर बैठ जाया करते थे और ठंडी हवा का आनंद लेते थे। ये जो सामने में आप बगीचा देख रहे हैं, यहाँ पर उस जमाने में गुलाब और चमेली लगी थी, और इनकी खुशबू हवा के झोंके के साथ जब यहाँ ऊपर जाती थी तो बादशाह उसका भरपूर आनंद लिया करते थे। तो इस जगह को हवा महल या गर्मियों की जन्नत भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बैठने का असली मजा गर्मियों में ही हुआ करता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में कनीजों यानी कि दासियों के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। यहाँ ऊपर के हिस्से में लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सारी छतें हैं ये काफी नीची हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि वास्तु के अनुसार सारी ये बनाई गई थी। तो यहाँ इस परिसर में आपको और भी नीची छतों वाली इमारतें दिखेंगी, क्योंकि ये सारी छतें जो हैं वास्तु के अनुसार ये देखकर बनाई जाती थी कि किस जगह पर कितनी हाइट होनी चाहिए। ये है अनूप तालाब। वैसे तो ये अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था, और इसके अंदर रोज वाटर हुआ करता था यानी कि गुलाब जल। लेकिन इसको बनवाने का सबसे अहम कारण तानसेन की आवाज की एको यानी कि उनकी आवाज की गूंज पाने के लिए था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जो कि उस जमाने के बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे, और वो राग गाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश आ जाया करती थी, और जब भी वो दीपक राग गाते थे तो पूरे में दीपक जल जाया करते थे। तो सामने वाली प्लेटफॉर्म पर तानसेन बैठा करते थे, और वहाँ सामने में बादशाह अकबर बैठते थे, और वहाँ उस तरफ में जोधाबाई बैठती थी, और नीचे में गांव वाले बैठकर तानसेन की म्यूजिक का आनंद लिया करते थे। तो ये उस समय का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था, और इस एरिया को बोलते हैं 4 चमन। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीच वाली जगह जो आप देख रहे हैं
वहां जाने के लिए चार रास्ते बने हुए हैं और किसी भी रास्ते से वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो ये सामने वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये अकबर की मुस्लिम बीवी का था जिनका नाम था रुकैया बेगम, जिनको टर्की की सुल्ताना भी कहा जाता था। तो उस जमाने में इसको शीश महल भी कहा जाता था क्योंकि इसकी दीवारों पर रंग बिरंगे शीशे और बहुत ही महंगे किस्म के हीरे लगे हुए थे। यहाँ नीचे में जो कलाकारी आप देख पा रहे हैं, इन सभी में डायमंड सेट किए गए थे और इन सभी को बाद में ब्रिटिशर्स निकाल के ले गए थे। शायद ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। ये बिल्डिंग अंदर से जितनी खूबसूरत है उतनी ही बाहर से भी है। ये देखिए आप, यहाँ पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। तो ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ख्वाबगाह, अकबर का रॉयल बेडरूम। ये कमरे जो बने हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये अकबर का डाइनिंग रूम हुआ करता था, जिसमें बैठकर वो अपनी रानियों के साथ खाना खाया करते थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बादशाह अकबर का बेडरूम। तो इस रास्ते से अकबर अंदर आया करते थे और ये जो सामने वाला दरवाजा दिख रहा है आपको, वहां से जोधाबाई अंदर आती थी। तो उनकी तीनों रानियों के लिए उन्होंने अलग अलग रास्ते बनाए थे ताकि एक इंडिकेशन रहे दूसरी रानी के लिए। तो ये है बादशाह अकबर का बेडरूम और ये रहा उनका बेड। इसके ऊपर चढ़ने के लिए उस समय चंदन की सीढ़ियां हुआ करती थी और जब बादशाह ऊपर चढ़ जाते थे तो उन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था, जिससे कि वो सुरक्षित रहें और उनके ऊपर कोई हमला न कर सके। और इसके नीचे में जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर पानी भर दिया जाता था और उसके अंदर गुलाब जल, इत्र वगैरह ये सब चीजें इसमें डाल दी जाती थी, जिससे कि बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल बन जाता था। ये जो सामने में बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है बीरबल महल। तो यहाँ पर उस जमाने में अकबर के हिंदू प्राइम मिनिस्टर बीरबल रहा करते थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे। तो ये दो मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें चार कमरे ग्राउंड फ्लोर पर हैं और दो कमरे और एक टेरेस ऊपर वाले फ्लोर पर है। इस महल की दीवारों और पिलर्स पर भी आपको बहुत सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर बादशाह अकबर के सैनिकों के घोड़े बांधे जाते थे। तो ये उस समय का अस्तबल हुआ करता था। ये जो छेद यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से एक रस्सी निकाल कर यहाँ पर घोड़े बांध दिए जाते थे। ये मैं पास ले जाकर आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं ये। तो काफी बड़ा ये एरिया है और यहाँ काफी सारे घोड़े एक साथ खड़े हो जाते थे। ये है अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का किचन। यहाँ पर जोधाबाई अपने हाथों से अपना शाकाहारी खाना बनाती थी, क्योंकि जब उन्होंने अकबर से शादी की थी तब उन्होंने अकबर के सामने दो शर्त रखी थी। पहली शर्त ये थी कि मैं अपना मजहब कभी नहीं बदलूंगी, यानी कि अपना रिलीजन कभी चेंज नहीं करूंगी, और मैं आपसे शादी करूंगी तो आपको मेरे महल में एक मंदिर बनवा कर देना होगा। और दूसरी शर्त ये थी कि मैं अपना खाना भी अलग बनाऊंगी, मेरे लिए एक अलग से किचन होना चाहिए। इसी वजह से अकबर ने ये किचन जोधाबाई के लिए बनवाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 156 डिजाइन के इयर रिंग्स बने हुए हैं, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध झुमकों के अलग अलग डिजाइन हैं। ये है जोधाबाई के महल का मुख्य द्वार। इसमें जो आप बालकनी देख पा रहे हैं, वो राजस्थानी कल्चर के हिसाब से बनी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान के हवेलियों को आप देखेंगे तो उनमें ऐसी बालकनी बनाई जाती थी जिनमें खड़े होकर औरतें बाहर की चीजों को देख सकती थी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हरम का एरिया हुआ करता था, यानी कि लेडीज के लिए बनाया गया एक प्राइवेट एरिया, और यहाँ पर अकबर जोधाबाई के साथ में रहा करते थे। बादशाह किसी भी बाहरी आदमी का यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, तो इन बालकनियों में जब वो आते थे तो सिर्फ दूर से ही लोग उनको यहाँ खड़े हुए देख सकते थे। इस महल को हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि ये बालकनी राजस्थानी स्टाइल की है और ये ऊपर में जो दो गुंबद दिख रहे हैं आपको, ये इस्लामिक स्टाइल है। तो चलिए आपको जोधाबाई के महल के अंदर लेकर चलता हूँ। तो हम अब जोधाबाई के महल के अंदर आ चुके हैं। ये जो ब्लू टाइल्स का महल आप देख रहे हैं, ये जोधाबाई का समर पैलेस हुआ करता था। और इसके सामने की तरफ जो महल आपको दिख रहा है, वो उनका विंटर पैलेस हुआ करता था। तो समर और विंटर पैलेस दोनों की ही अलग खासियत है। इसको समर पैलेस इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तो इसके ऊपर की तरफ जो मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत ही ठंडा है, और दूसरा ये कि इसके पीछे में दीवारें नहीं हैं
बल्कि यहाँ पर जालियाँ लगी हैं ताकि यहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा रहे। और वहीं अगर हम विंटर पैलेस की बात करें तो इसको दीवारों से पैक किया गया है और इसके ऊपर की तरफ में ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो सूरज की रोशनी पड़ने से गर्म हो जाता है, जिससे अंदर के कमरे भी गर्म हो जाते हैं। जोधाबाई शादी के बाद सबसे पहले आगरा के किले में आई थी। अकबर की दुआ जब बाबा ने यहाँ पर कबूल कर ली थी, उसके बाद वो यहाँ पर आकर सलीम चिश्ती साहब से मिलते जुलते रहना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर महल बनाने के लिए सलीम चिश्ती साहब से अनुमति मांगी और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा बेटा हो तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी छत्र छाया में ही जन्म ले, ताकि वो सभी मुसीबतों से दूर रह पाए, क्योंकि मैं बादशाह हूँ और मेरे ऊपर मुसीबतें आती रहती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपकी पनाह में ही पैदा हो। तो ये महल इसलिए बनवाया गया था जिससे कि बादशाह अकबर के बेटे का जन्म शेख सलीम चिश्ती साहब की नजरों के सामने ही हो। बेटा हो जाने के बाद जोधाबाई को पटरानी का खिताब भी दिया गया था, जिसका मतलब होता है हेड क्वीन। और फिर जोधाबाई हिंदुस्तान की मलिका बन गई और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तो यूं तो बादशाह अकबर की तीन बीवियां थी, लेकिन उनका नाम आज भी जोधाबाई के साथ ही सबसे ज्यादा सुनने में आता है। ये सामने वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जो शर्त के अनुसार बादशाह अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी और यहाँ ये जो छोटे छोटे आले बने हुए हैं, इनमें वो अन्य भगवानों की मूर्तियां रखा करती थी। यहाँ पर दोनों तरफ में ये जो कमरे बने हुए हैं, इनमें यज्ञ और हवन में होने वाली सामग्री को रखा जाता था। इस पिलर को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ऊपर में घंटी दिखाई देगी, फिर उसके बाद कमल का फूल, नीचे में त्रिशूल, तिलक और कलश और नारियल जैसी चीजें इस पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि सारा हिंदू डिजाइन है। यहाँ बीच में देखेंगे आप ये जो पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर उस जमाने में तुलसी का पौधा हुआ करता था। तो यहाँ पर जोधाबाई तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर बादशाह अकबर की लंबी आयु के लिए पूजा किया करती थी। तो ये सारा कंपाउंड, सारा एरिया जो अभी हमने घूमा, इसको बोला जाता है सीकरी, जहाँ पर सारे पैलेसेस यानी कि महल बने हुए हैं। और अब मैं आपको लेकर जाऊंगा फतेहपुर, जिसको यहाँ का होली कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद और उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहलाने वाला बुलंद दरवाजा। तो हम अभी जिस दरवाजे से अंदर आए हैं, इसको बोला जाता है बादशाही दरवाजा। यहीं से बादशाह अकबर अंदर आया करते थे। ये जो पूरा एरिया है, इसको फतेहपुर सीकरी का सबसे मेन पार्ट माना जाता है और इसको बोलते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये संगमरमर से बनी हुई इमारत, जो है हजरत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। ये वही बाबा है जिनकी दुआ से बादशाह अकबर को बेटा हुआ था और उसी खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वैसे तो बादशाह अकबर के बेटे को बाबा ने अपना नाम दिया था, यानी कि सलीम, लेकिन बाद में अकबर ने उसका नाम बदलकर जहांगीर रख दिया था। यहाँ पर अकबर ने बहुत ही खूबसूरत काम करवाया था और इस इमारत की हर छोटी से छोटी कलाकारी देखने लायक है। तो यहीं अंदर में बाबा की कब्र बनी हुई है और आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई यहाँ पर आकर मन्नत मांगने के लिए धागा बांध के जाता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं और आपकी कोई भी मन्नत है तो आप यहाँ पर धागा बांधना मत भूलिएगा। यहाँ सामने में जो आप देख रहे हैं ये ग्रेवयार्ड है, तो चिश्ती परिवार के लोगों का यहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ बाहर की तरफ चिश्ती फैमिली के मर्दों की कब्रें बनी हैं और अंदर में औरतों की कब्रें बनी हैं, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के हिसाब से औरतों को पर्दे में रखते थे और मृत्यु के बाद भी उनको पर्दे में ही दफन किया जाता था। तो बाबा का खानदान आज भी जिंदा है और उनके परिवार के लोग आज भी यहीं पीछे में रंग महल में रहते हैं, जो कि आम आदमी के लिए बंद किया हुआ है। तो अब बाबा की 16वीं पीढ़ी चल रही है और उनके परिवार से किसी की भी मृत्यु होती है तो उनकी कब्र यहीं पे बनाई जाती है। ऊपर में जो आपको छोटी छोटी बुर्जियां दिख रही होंगी, वहाँ पर रोशनी करने के लिए मशाल जलाई जाती थी। ये मशालें खास तौर पर तब जलाई जाती थी जब चिश्ती साहब का जन्मदिन होता था। उनका बर्थडे 28 रमजान को होता है, यानी कि ईद से 2 दिन पहले। उस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर के देशों से भी भारी मात्रा में लोग आते हैं
और तब यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। और अगर आपको भी उस समय यहाँ पर आना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस समय यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखेंगे आप हौज बना हुआ है और जो लोग भी नमाज पढ़ने जाते हैं उससे पहले यहाँ पर वुजू करते हैं, यानी कि अपने हाथ पैर यहाँ पर धोते हैं। ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये जामा मस्जिद है जहाँ पर अकबर के समय में लोग नमाज पढ़ते थे और आज भी यहाँ पर पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है और यहाँ कुल मिलाकर ऐसे 83 यानी कि 83 कमरे हैं। बादशाह अकबर के समय में ये सारे कमरे बच्चों के लिए हॉस्टल यानी कि छात्रावास के कमरे हुआ करते थे। उस जमाने में जितने भी आसपास के गरीब और यतीम बच्चे हुआ करते थे वो यहाँ पर फ्री में रहते थे, फ्री में खाते थे और फ्री में ही यहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे और 14 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके राज में एजुकेशन अच्छा हो, अच्छी लाइफ हो और लोग खुशहाल रह सकें। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर पाठशाला बनाई जाए और फिर गांव के लोगों ने खुश होकर उनको एक टाइटल दिया, अकबर महान यानी कि अकबर द ग्रेट। उस समय में यहाँ पर दो विषय पढ़ाए जाते थे जो थे अरबिक और संस्कृत, क्योंकि बादशाह अकबर सभी धर्मों को सम्मान देते थे और इसीलिए उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी जिसके मुताबिक वो बताना चाहते थे कि हम सब एक हैं। अभी ये स्कूल 3 साइड से बंद है लेकिन एक साइड से अभी भी चलता है जो कि बाबा की दरगाह के पीछे है जहां अभी भी गांव के बच्चे फ्री में पढ़ने के लिए आते हैं। ये है बुलंद दरवाजा जिसको दुनिया के हाईएस्ट गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। रेड और बफ सैंडस्टोन और ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल से सजाया हुआ ये 176 फीट ऊंचा दरवाजा बादशाह अकबर ने अपनी गुजरात जीत की यादगार के रूप में बनवाया था। गुंबद और मीनारों से सजे हुए इस बुलंद दरवाजे के आगे और इसके स्तंभों पर आपको कुरान की आयतें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ लाइंस भी लिखी गई हैं जिनमें ये कहा गया है कि मरियम के पुत्र यीशु ने कहा, यह संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो। जो एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ क्योंकि उसके सिवाय सब कुछ अदृश्य है। तो बुलंद दरवाजे पर बाइबल की इन पंक्तियों को पढ़कर ये पता चलता है कि बादशाह अकबर अन्य धर्मों के प्रति भी कितना सम्मान रखते थे। यहाँ आसपास के गांव के लोग आपको आज भी हाथ की कलाकारी से काम की हुई चीजें बेचते हुए दिख जाएंगे। सर हमारे गांव की टील है, अंदर कैंडल लगाएंगे, इसमें ये क्लोज करेंगे, इसमें से लाइट निकलता है। सब मार्बल ही है? जी सर, सारा मार्बल। ये रूम फ्रेश के लिए होता है सर, ये अगरबत्ती के लिए होता है सर, इसको बदलेंगे, कैंडल लगा दीजिए, इसमें से कैंडल लगाएंगे तो इसमें से स्टार वाला लाइट निकलेगा। ये देखिए सर, इसको एक एक पीस करके जॉइंट करके इसको बनाएंगे। कुदरती गॉड नेचुरल किया सर, ये कुदरती पत्थर है सर, ये वाला 600 का हाथ का मेट है ना सर, मशीन का। ये वाला 400 का। कहाँ बनाते हैं आप ये? गाँव। अच्छा सर। खैर ये था पूरा फतेहपुर सीकरी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह घूमकर अच्छा लगा होगा। और बादशाह अकबर के बारे में मैं एक बात आपको और बता देता हूँ जो शायद आप लोग को नहीं पता होगी। तो उन्होंने अपना मकबरा अपनी मृत्यु से पहले ही आगरा में बनवाना शुरू कर दिया था, जिसको बाद में उनके बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था। और अकबर के मकबरे से 1 किलोमीटर दूर ही जोधाबाई का भी मकबरा है और इन दोनों मकबरों के वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके उनको देख सकते हैं। वैसे तो बादशाह अकबर और जोधाबाई के बारे में आपने कई सारे किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, कई सारे मूवीज और टीवी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, लेकिन वो जगह देखना जहां वो वास्तव में रहा करते थे इसका शायद आपको एक अलग ही अनुभव हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही किसी और इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।